अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक। और आज है मंडे, और जी आज धुले हैं कपड़े, ये देखिए। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और ये मेरे कमरे की खिड़की पे कुछ कपड़े रह गए थे जो डाले हैं, क्योंकि बालकनी में जगह बिल्कुल भी नहीं थी। और अंशरा जो है वो स्कूल से आके मदरसे गई हुई हैं, और बच्चे ट्यूशन आए हुए हैं, और किचन में बन रहा है खाना। चले वहाँ चल के दिखाती हूँ आपको। ये है अहमद रज़ा की कार, और अहमद रज़ा सो रहे हैं और बच्चे आए हुए ट्यूशन। और जी हम आ गए हैं किचन में, और आज हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, बाहर से कचरा आ रहा है, क्योंकि मेन डोर जो है ना हमारा खुला हुआ है, देखिए। और गैस बिल्कुल स्लो आ रही है, चल रही है, इस वजह से इतनी गैस आ रही है, वरना बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। और यहाँ हमारी बनी है आलू का पुलाव, जो कि दम हो रहा है। साथ है हमारे अचार, वो दोपहर का खाना है। शाम के लिए जी हम बनाएंगे अंडे आलू। मेरे दो प्लांट, इसमें से छोटे छोटे से पौधे निकलना शुरू हुए हैं, और इसमें मैंने लगाया था लहसुन, इसकी भी कोंपलें निकलना शुरू हो गई हैं। लहसुन का अचार जो हम उसके साथ खाएंगे, अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है। चलें जी हम खाना निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। आया है एक पार्सल हमारे यहाँ दराज से, ये मंगवाया हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स, और ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। और अहमद रज़ा सो के उठे हैं अभी। ये पैकिंग बहुत अच्छी है। कितने बॉक्स हैं ये? ज्वेलरी बॉक्स हैं हैंडमेड, एक दो तीन चार। मैं निकाल के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, एक ये छोटा सा है। छोटा सा इसमें लॉक भी लगा हुआ है, ये इसके साथ रबड़ है, बटन है, इसमें अटैच कर लें। एक ये है, एक ये है, एक ये है। चार हैं और बहुत अच्छे बने हुए, बहुत खूबसूरत बने हुए लिया था। और ये देखिए अहमद रज़ा को, अहमद रज़ा जो है ना जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अहमद रज़ा जो है ना बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं। देखें अभी अपनी कार के ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं, और अगर हाथ लगाओ ना तो ये हाथ चलाने की भी कोशिश करते हैं कि बस मैं खुद से खड़ा हो जाऊँ। और अभी इसको भी मैंने खाना खिलाया है, इन्होंने चावलों में से आलू खाए। और अंशरा भी आ गई हैं सिपारा पढ़ के। सलाम कीजिए, सलाम तो कीजिए। वालेकुम सलाम, क्या मिला आपको आज? आज ही इनको मदरसे से स्टार मिला है ना? अच्छा अच्छा पढ़ा। आज इन्होंने मदरसे में अच्छा अच्छा पढ़ा था, तो आज इनको अच्छा मिला है स्टार। चले जी अब आगे काम करते हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। खा लिया था ये देखें, सबने खा लिया था, थोड़ी रह गई है इसमें। पुलाव जो हमने आलू का बनाया था, और इधर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ अंडे आलू के लिए, और अंडे अब उबलने रखूँगी। सारे मैले हैं, ये भी अभी धोती हूँ। मेरे साथ साथ किचन में रखे, मैं इधर बर्तन धोने आई थी तो ये आ गए किचन में बोतलों के पास, और ये चीख रहे हैं। और अब बस इनकी मम्मा इनको तैयार करेंगी। अहमद रज़ा चले जी, चले गए अहमद रज़ा। यहाँ मेरी प्याज जो है वो फ्राई होने को है, बस थोड़ी सी और है कच्ची, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको फिर थोड़ा सा टमाटर के साथ में ग्राइंड कर लूँगी, तो ये अच्छे से हो जाएगी सालन के लिए रेडी। बस अब मैं रखूँगी अंडे उबलने। फ्राई हो गई थी, उसको मैंने स्टीम करने के लिए इसी स्पाइडर में छोड़ दिया है, साथ में मैंने रख दिया अंडे उबलने। अंडे उबल रहे हैं, जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। अंडे उबल रहे थे, बर्तन मैंने धो लिए, किचन मेरा साफ हो गया है। देखिए ये थरमास धो के रखा था, और ये मैंने प्याज निकाली है, और अभी इसमें टमाटर डाल के उसके साथ इसको ग्राइंड करूँगी। यहाँ आलू काट लिए थे, अंडे उबल गए चने, तो इसमें टमाटर काट के और प्याज के साथ पीस लेती हूँ। मैं दही भी डालती हूँ, पर अभी इस वक्त दही मौजूद नहीं था, तो मैं टमाटर में बना रही हूँ चने। तो हमारी प्याज भी पीस गई है, साथ में ये मैंने इसमें मेथी दाना डाल के ना लहसुन डाला है, अभी इसमें इसकी भून रही हूँ। और ये मैंने टमाटर और प्याज को पीसा था, ये पेस्ट डालूँगी। अब इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा। मसाले में वही हल्दी, सूखी मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें और धनिया पिसा हुआ, वो मैंने इसमें डाला है, और अब इसको दोबारा भुनाई करूंगी। और मैंने आलू काट के जो रखे हुए थे ना, वो ये मसाला भून के इसमें डाल दूंगी। और अंडे जो उबल गए थे वो मैंने छील लिए हैं, देखें। तो चले मसाला भूनते हैं, उसके बाद मसाला थोड़ा भून गया है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी सूखे मसाले।
गई थी और उसके बाद अंशरा का होमवर्क टाइम। तो ये देखें अंशरा जो है कलरिंग कर रही है, कितनी अच्छी है। देखें अच्छा, क्या किस में कलर कर रही हैं आप? माशाल्लाह। मैं आलू मैंने डाल दिए हैं और उसको अच्छी तरीके से भुना है, लेकिन तेल भी ऊपर आ रहा है। और बस अब इसको आलू गलने तक के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, गर्म मसाला भी डाल दिया है। और बस अब इसमें जब ये थोड़े से आलू गल जाएंगे ना, आध गले हो जाएंगे, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अंडे। और फिर जितनी मेरे को इसमें ग्रेवी रखनी है वो मैं डालूँगी, ऊपर से हरा धनिया। उसके बाद मैं लेती हूँ आटा, क्योंकि इसके साथ बनेगी रोटियाँ। मुझे सालन तो हो गया था, मेरा मैं आटा गूँध रही हूँ, उसके बाद बनेगी रोटियाँ। अच्छा, मैं आटा गूँध लेती हूँ। का होमवर्क देखें, ये उसने कलर करे थे, उसके बाद वो थक गई, खाना खाया तो सो गई। और उसके बाद हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया है। और अब मैं आके अपनी बेटी के रूम में बैठी हूँ, क्योंकि अंशरा बहुत तंग कर रही थी, रो भी रही थी। तो अब वो सो चुकी है, अहमद रज़ा भी सो गए हैं, और ये उनकी बुक है मैथमेटिक्स की। और ये आप लोगों से यही बात है कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, बच्चों के हवाले से और घर को, घर की ज़रूरियात के हवाले से। नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास, कारोबार नहीं है। तो बस यही दुआ है अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करें। और बस ये कोशिश कीजिए कि अल्लाह पाक अगर आपके पास पूरा हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपके पास इतना है कि आप किसी गरीब की कोई एक मदद कर दें, तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो यही करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरियात को रखते हुए किसी गरीब का कोई भी एक छोटा मोटा काम जो ऐसा है खाने पीने के हवाले से, या उसके बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, कुछ ना कुछ निकालते रहें अपने हाथ से। तो अल्लाह ताला जो है ना, आगे हमारे लिए भी आसानियां पैदा फरमाएगा। तो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे अम्मी अब्बू के लिए एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ दीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के जी, अल्लाह हाफिज़।